आज जम्मू के भगवती नगर में अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था पहुंचा। यात्रा के चलते कड़ी सुरक्षा के इंतजाम भी यहां किए गए ताकि यात्रियों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मगर यात्रियों का ये भी कहना है कि उन्हें दो दो घंटे के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ा। यात्रियों के लिए टेंट और पीने का पानी यात्रियों को यहाँ नहीं मिला। लोगों का क्या कहना है, आए इस रिपोर्ट में सुने। ये परेशानी धूप में खड़े रखे यात्रियों को, देखो ऐसे यात्रा कराते क्या, पानी की सुविधा नहीं, धूप में कैसे खड़े रहे बताओ आप, कितनी परेशानी आ रही है। दवा कर दिए, करोड़ों रुपए लगे आपको यहाँ खड़े। दो घंटा हो गए खड़े होते, अभी क्या बोल रहे हैं, पानी की प्यास ही नहीं। आगे हमने लाइन में लगा दिया, फिर आगे आ रहे, घुसते जा रहे, चले जा रहे, ऐसी यात्रा हम यात्रा कैसे करेंगे यहाँ से, तब के अमरनाथ कैसे चढ़ेंगे हम। अब यहाँ धूप में डायरेक्ट आके धूप में खाया, कल से हमने खाना भी नहीं खाया, धूप में आके खड़े यहाँ खाने का इंतजाम करो बताओ माता जी के लिए। फिर इतना लाइन लगाई इतनी बड़ी, फिर भी धूप में वैष्णो देवी का दर्शन करके आए ना, क्या खाओगी बताओ, नमकीन खाओगी, अरे कुछ भी खाना नहीं है, ये नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, छाव चाहिए हमें, परेशान हो रहे हम नहीं। छाव लियो आप, अरे 11 जने हमारे, देखो 11 आदमियों को देखो, मैं एक छतरी में तो ला नहीं सकता, आपको छाव में ला सकता हूं मैं। बैंक यस बैंक J&K बैंक हर एक में ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हम लोग में हम लगभग 3 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। अरे जो 15 दिन पहले जो कराया है ना उसके रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रही है, तो कर ही नहीं रहे आपके जो 15-20 दिन पहले जिन्होंने टिकट बुक कराई है ना, इस बात को बता रहे बस वाले कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, तो जब उन्होंने टिकट बुक कर लिया यात्रियों की, तो 15 फरवरी में जिम्मेदारी को जाना है, टिकट बुक तो हो जाएंगे, टिकट बुक तो जब होनी चाहिए थी जब रजिस्ट्रेशन, क्यों करें, इसकी गलती है ना, 11-12 बजे उसने भेज दी कावेरी वाले ने, यहाँ पे एक का भी रजिस्ट्रेशन नहीं, हमारा भी कावेरी वाले का ही है, तो फिर किस तो कहाँ रजिस्ट्रेशन लगा, 3 महीने पहले जो उसने अभी टिकट करी है 15-20 दिन 1 महीने पहले, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं। चलो कितने परेशान हो रहे, ये कहेंगे भैया जी कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे यहाँ पे, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करा के लाओ, रजिस्ट्रेशन ना तो वहाँ से जब चली थी बसें जब नहीं करे उन्होंने, और अब यहाँ पे आके पता चला यहाँ भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, तो यात्री कब तक खड़े रहेंगे बताओ, हज़ारों की तादाद में यात्री हैं, और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे, इतनी देर आदमी कहाँ बिताएगा अपना समय। मैं तो ये कहूँ जी पॉजिटिव सोच रखो, जो भी है यहाँ खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ कारण कुछ हमारी अच्छा ही है, अगर धूप में हम सीख जाएंगे नसें खुल जाएंगी तो यात्रा बढ़िया होगी बिल्कुल एकदम, और नहीं तो वहीं लोटे मिलोगे रास्ते में आधे में, हाँ वहाँ बर्फ़ पर चलना पड़ेगा, यहाँ गर्मी में गर्मी और सर्दी एकदम शिकाई करो सारे शरीर का दर्द निकल जाएगा, ये तो होम्योपैथिक वाले आयुर्वेदिक वाले बताते हैं, गर्मी सर्दी की शिकाई करो, यहाँ धूप में सीखो और वहाँ बर्फ़ पर चलो, सारे दर्द खत्म, सब कुछ ठीक रहेगा आगे के। यात्रा करने चले हैं तो गर्मी पंक्ति में तो लाइन में लगना ही होगा, लेकिन जो आगे पीछे से निकल निकल कर आगे चले जा रहे हैं ये गलत बात है, इससे पीछे वालों को ठीस पहुंचती है। लेडीज की लाइन अलग लगो, कितना समय हो गया आपको यहाँ खड़े, मुझे कोई आधा घंटा हुआ, अभी आपकी किसी से बात हुई अंदर जाने के लिए, नहीं अंदर जान किस से बात नहीं, इस बार नंबर हमारा अंदर जाएगा, 2 घंटे हो गए आपको यहाँ खड़े, नहीं 2 घंटे नहीं आधा पौना घंटा हुआ, आधा पौना घंटा साहब धूप में खड़े, हाँ धूप में तो खड़े, धूप में तो खड़े हो, धूप में खड़े होएंगे चिंता उसकी नहीं है, धूप में क्यों खड़े, कोई बात नहीं, ऐसा क्या सरकार सबके ऊपर छत थोड़ा लगाएगी, लेकिन हमें ठीस इस बात की है कि जो पीछे से आते हैं और वो आगे पंक्ति में मीठी मीठी बात करके किसी के पंक्ति में लग जाते हैं ये गलत बात है, जैसे सब यात्रा कर रहे हैं बेशक धूप हो बेशक पानी ना मिले लेकिन नियम कायदे कानून तरीके से यात्रा चले, कोई बात नहीं यात्रा करने चल रहे हैं, हमको यहाँ आराम करने के लिए थोड़ी आए, धूप में खड़े कोई बात नहीं, पानी ना मिल रहा कोई बात नहीं, पंक्ति लेट चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ना, पीछे से आते हैं नवाब बन के इधर उधर की बातें बना के और वो पंक्ति में आगे चले जाते हैं, तो आपके स्टाफ वाले मैनेजमेंट वाले उनको नहीं रोकते, ये गलत बात है बस, बाकी ओ शंकर भगवान की, ओ शंकर भगवान की, जय करो वीर बजरंगी।